प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं आज की सुबह की 6:30 बजे की इस पहली आराधना सभा में। प्रभु हमारे बीच मौजूद है, वो अद्भुत कार्य कर रहा है। मैं और खुश होऊंगा अगर आप ठंड में भी ऐसे आएंगे। हालेलुया। लेकिन आते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन जरूर आते हैं। और मैं मानता हूँ 12-9 बजे चिलचिलाती गर्मी होती है, काटने वाली गर्मी होती है ना, लेकिन सुबह 6:30 बजे सर्दियों में वो भी काटने वाली ठंड होती है। वो का धन्यवाद देते हैं। मैं देख रहा हूँ सबका मुंह देख रहा हूँ मैं इस समय में खासकर, है ना। प्लीज प्रभु आपको आशीषित करे। मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी सभा में आ सकते हैं, सिर्फ मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसा बहुत बार हुआ है, केवल मिश्रा परिवार और मैं बैठे हैं, केवल हम दो बैठे हैं। कभी कभार उनको भी कुछ काम पड़ जाए तो केवल ज्योति और मैं बैठे हैं, और इनकेस वो लेट आ जाए, 5 मिनट अगर वो लेट आ जाए तो डांट सुनेगी, अब तक कोई नहीं आया, तू भी नहीं आएगी क्या। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर हम सबको एकत्रित करता है अपनी महिमा के लिए। प्रभु के नाम की हम आराधना करते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। इससे पहले कि प्रभु के वचन में जाएं, आइए अपने आप के लिए हम प्रार्थना करें। जो वचन प्रभु आज मुझसे बात करने वाला है, मेरा हृदय स्थायी हृदय रहे, उपजाऊ भूमि बने, मेरा हृदय डगमगाए ना, मेरा हृदय अलग अलग बातों के विषय में ना सोचे, लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से सुनने पाऊँ, मैं प्रभु के वचन को पाने पाऊँ, प्राप्त करने पाऊँ। आप अपने आप के लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। बोलने वाले व्यक्ति पास्टर इब्राहिम ना हो, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा बातचीत करे। यस, अगले और कुछ सेकंड हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, तेरा वचन अटल है और तेरा वचन एक ऐसा है जो प्राणों को बेहाल कर डालता है। अपने वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत कर, तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमें, आमें, आमें। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है, हमारी वो परवाह करता है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, और उसके जैसा उसके समान और कोई नहीं है। प्रभु हमें अपने प्रेम की ओर लिए चलता है, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले, पिछले बृहस्पतिवार को परमेश्वर ने एक बहुत ही अनूठे विचार के द्वारा मुझे आशीषित किया। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कर रहा था, प्रभु ने एक अनूठे विचार के द्वारा, मेरे ख्याल से मैं अगला और 2 मिनट लूंगा उस विचार के साथ, उसके बाद हम सीधा आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्लीज मेहरबानी करके कोई पढ़िएगा यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय का 11वां वचन। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय का 11वां वचन। अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी राज को तेरों को धर्मी ठहराएगा। केवल हम इस बात पर गौर फरमाएंगे कुछ समय के लिए, फिर से पढ़िएगा, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, प्रभु यीशु मसीह को खसोटा गया, हाथ पैर कील से जो है ठोके गए, बुरा हाल उसके साथ किया गया, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि क्या कहता है, फिर से पढ़िए, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, वो शरीर की बात नहीं करता है लेकिन वो प्राण की बात करता है, यानी कि उसके प्राण भी बहुत ज्यादा खेदित हो गए थे। सोच के देखिएगा ना, कोई थूक रहा है मुंह पे, कोई अपशब्द बोल रहा है। इसने इस प्रकार से कहा कि शरीर की मार से ज्यादा शब्द की मार बहुत जोर से लगती है जनाब, हुजूर सह नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। पता है क्यों तृप्त होगा? क्योंकि जो दर्द उसके प्राण ने सहे हैं, उसका खामियाजा या उसका परिणाम क्या होगा, वो ये, मुझे चंगाई मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर वो कहेगा, अच्छा हुआ मेरे प्राण पर दुख हुआ, अच्छा हुआ मेरे प्राण पर काफी ज्यादा क्लेश मुझे सहने का समय गुजारना पड़ा, लेकिन उसके द्वारा मैंने कलीसिया का निर्माण किया है,
उसके द्वारा मैंने विश्वासियों का निर्माण किया। हालेलुया बोल रहे भाई, हालेलुया सो रहे हो। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा। पुत्र कहता है कि वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसको देखता है और वो तृप्त होता है। प्रियो, अब एक अगले चरण की ओर हम जाएंगे। अगर यीशु ने अपने प्राणों का दुख उठाकर देखा और वो तृप्त हुआ, अब हो चुका है यीशु तृप्त, और अंतिम रूप से वो तृप्त तब होगा जब वो अपनी सार्वभौम कलीसिया को स्वर्ग लेके जाएगा, उसकी अंतिम खुशी होगी। हम सब रहेंगे ना वहां पे, पक्का रहेंगे। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम रहेंगे, प्रभु ने हमें हर प्रकार के पाप से बचाए रहे। लेकिन अब एक दूसरा चरण जो है इस प्राण की खुशी का, वो ये है क्योंकि यीशु ने अपने प्राणों का दुख उठाकर देखा और वो तृप्त हुआ। इस समय जो आपके दुख हैं, आने वाले समय में आप इन प्राणों के दुख को याद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद मुझे चंगाई देने के लिए, प्रभु धन्यवाद कि मैं उस जरूर उस क्लेश से गुजरा लेकिन तूने मुझे छोड़ा नहीं। प्रभु धन्यवाद मैं जरूर उस गरीबी से गुजरा लेकिन तूने गवाही खड़ी करी। प्रभु प्रियो, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। आप मैं हम सब अपने प्राणों के दुख के द्वारा बहुत ही दबे पड़े हैं ना, सैंडविच हो चुके हैं, फंस गए हैं। कोई दुख को सुनने की जो है बिल्कुल जुर्रत नहीं करता है, दुख को कोई सुनता है तो हंस पड़ता है जी, ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। बाद में जाते हैं हंसते हैं, लेकिन मेरा यीशु जो मेरे साथ आंसू बहाता है, मेरा यीशु जो मेरे साथ बैठ के मुझे तसल्ली देता है, आपको तसल्ली देता है, एक समय आएगा कि इन प्राणों का दुख उठाकर आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ गवाही 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 और गवाही होगी। धन्यवाद। आइए आज के वचन की ओर हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु के वचन से हम लोग मनन करेंगे। पिछले तीन रविवारों से परमेश्वर हमको अनुग्रह दे रहा है कि हम लोग सीरीज पर रहें और इस श्रृंखला पर हम जैसे बने हुए हैं, हमें प्रभु अपने आनंद से भर रहा है, आनंद से भर रहा है वचन को समझने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके आठवें अध्याय का छठवा वचन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक आठवें अध्याय का छठवा वचन। यस, मैंने देखा और कहा हाय ये मैंने क्या किया। ये पंक्ति वचन में जो लिखी है, अपने आप से ना इज़राइल पूछने पर आमादा हो रही है कि हाय ये मैंने क्या किया। सच्चा परमेश्वर उनको दिया गया, हमने कुछ बातों पर मनन किया। सबसे पहली बात, जो परमेश्वर हमको दिया गया उसके साथ हमने क्या किया। जो यीशु मसीह हमें परमेश्वर पिता के द्वारा दिया गया, हमने उसके यीशु मसीह के सीधे तौर से जो 53 नाम बाइबल में पाए जाते हैं, एक प्रकार से हमने हजार स्तुति भेंट पड़ी है ना। क्या है वो भोर का तारा, और अनेक नाम हमने उसके विषय में पाए। उसके बाद फिर हमने देखा जो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है उसके विषय में हमने क्या किया। चौथी बात, जो चेतावनियां हमको दी गई हैं उसके विषय में हमने क्या किया। आज हम देखेंगे जो बाइबल हमको दी गई है उसके विषय में हमने क्या किया। कितने लोग अपने साथ आज बाइबल लाए हैं? बाइबल मैं कभी पूछता नहीं हूं, लेकिन यस उठाइए, बाइबल उठा के दिखाइए। देख पा रहा हूं कुछ भाई बहन नहीं लाए हैं, दुख की बात है। यस, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल खुदा का कलाम,
प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, जितने लोग अपने साथ बाइबल नहीं लाए हैं आज आपको हम कोई बात नहीं माफ़ करते हैं, लेकिन अगली बार से अगर आप पढ़ना जानते हैं एक बाइबल अपने साथ रखिए, नोट्स बनाइए और जब आप वापस घर जाएं सोने से पहले उनको पढ़िए, उन पर विचार विमर्श कीजिए, प्रभु ने आपसे क्या बात करी। ये तो हम हर संडे आते हैं और चले जाते हैं, हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया में आप जितने भी आत्मिक रूप से बड़े हुए बढ़ोतरी पाए हुए प्रभु के दास दासियों को कलीसिया में अगर आप देखेंगे तो उनके पास उनकी एक पहचान है, दे हैव अ डायरी एंड दे रीड देयर बाइबल, उनके पास डायरी है और वो अपने बाइबल को पढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप जब अगली बार फिर से चर्च में आए तो अपनी बाइबल और अपनी डायरी को साथ लेके आए। बाइबल के विषय में हम पाते हैं जो बाइबल परमेश्वर ने हमको दी है, संसार में सबसे पहली किताब कोई छापी गई तो वो बाइबल है। संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई किताब है तो वो बाइबल है। संसार में सबसे ज्यादा किसी का विरोध किया जाता है तो वो बाइबल है। संसार में सबसे ज्यादा किसी किताब को जलाया जाता है तो वो बाइबल है। संसार में सबसे ज्यादा किसी किताब की इज्जत की जाती है तो वो बाइबल है। एक बार एक जगह पर उन्होंने बोला कि यहां पर हम जो ये बाइबल यहां पर जो छपती है इस फैक्ट्री को हम जला देंगे, फैक्ट्री को हम जला देंगे। और वो पूरी जो कमेटी थी वो एक कंपाउंड में रहती थी, और एक पूरी कमेटी एक कंपाउंड में रहती थी, और उस पूरे कंपाउंड में जब वो रहते थे उन्होंने कहा कि इस बाइबल को हम जला देंगे, जहाँ पे ये बाइबल छपती है मशीनें जला देंगे, इसकी इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। यहाँ पे कभी बाइबल छापने वाली मशीन भी थी, तो वो जिस कंपाउंड में रहते थे उस कंपाउंड में पता नहीं ऐसी भगदड़ मची कि वहाँ पे आग लग गई, और वो संपूर्ण जो कमेटी जिसने ये साझा किया था वो सब लोग उस आग में समाप्त हो गए। बहुत बार बाइबल को रोका गया, लेकिन बाइबल केवल कागज और अक्षर के साथ संगलित एक किताब नहीं है, लेकिन ये अपने आप में परमेश्वर खुद ब खुद है। और जहां भी परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, सिखाया जाता है, सीखा जाता है, वचन की शिक्षा दी जाती है, वचन की चेतावनी दी जाती है, वहां पर बढ़ोतरी आती है। मैं विश्वास करता हूँ कि हर रविवार जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं आपके जीवन में परमेश्वर एक बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर एक उड़ान को लेकर आ रहा है, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमको तृप्त करता है। पढ़िएगा दूसरा तिमोथियुस उसके तीसरे अध्याय का 16वां वचन, दूसरा तिमोथियुस तीसरे अध्याय का 16वां वचन। यस, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, आगे और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। उपदेश, सुधारने, सिखाने, समझाने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारे कलीसिया में बाइबल के साथ कोई समझौता नहीं है, जो वचन कहता है वो सो कहता है बस। बहुत बार लोगों ने वचन के साथ कहते ना कबड्डी खेल ली है, अजीब वो पुराने नियम की बात थी अब हम नए नियम में हैं, अजीब वो यीशु मसीह के समय की बात थी अब हम और नए से नए नियम में हैं, अजीब वो पौलुस ने कहा था थोड़ी थोड़ी, कब कहा उसने, किस बात को लेकर कहा उसने। लेकिन आज हमें समझने की आवश्यकता है प्रियो कि वचन हमें एकमात्र बात समझाता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। मैं अपने आप को बिल्कुल भी ना किसी भी चीज के साथ रंग बिरंगा नहीं कर सकता। अंजी उनके साथ भी चलेगा उनके जैसे बन गए, उनके हाथ चलेगा उनके जैसे बन गए, उनके हाथ चलेगा अंजी चल रहे सब, हर जगह हमारी कहानी अच्छी चल रही है, ना। प्रभु का वचन कहता है कि ना वो कहता है कि आई विल बी देयर गॉड, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वे मेरे प्रजा के लोग ठहरेंगे। इस बात को कहने के लिए परमेश्वर ने
अपने पास एक जलन की भावना रखी, अपनेपन की भावना रखी। कोई भी पिता किसी भी ऐरे गहरे लड़के को नहीं बोलेगा ये मेरा लड़का है, बोलेगा। कोई भी माँ ऐरे गहरे बेटे को या बेटी को नहीं बोलेगी ये मेरी औलाद है, ना जी ना। माता पिता को पता है उनकी औलाद कौन सी है। यीशु मसीह को पता है कि उसका अनुसरण करने वाले लोग कौन है। पास्टर होना थोड़ा हवन में जाना है, पास्टर हवन करें, थोड़ा सा हवन जरूरी था, थोड़ा सा ना वो दोस्त लोग बैठते हैं ना, थोड़ा सा मेरे पैर अपने आप जाते हैं, मैं रोकता हूँ, मेरा मुँह अपने आप खुलता है। गप्पों की बात जहाँ पे आती पास्टर मैं रोक नहीं पाता। अरे ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो नहीं बैठता। अगर आपको जीवन का उसूल सीखना है, प्रभु का वचन जीवन का उसूल हमें बताता है। अनेक कुछ तथ्य मैंने बाइबल के विषय में पाए हैं, उन अनेक जैसे 40 लोगों ने संपूर्ण बाइबल को लिखा और तकरीबन जो है अनेक शताब्दियों में परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा बातें करी। इस बाइबल के अंदर ऐतिहासिक बुक ऐतिहासिक बातें पाई जाती हैं, व्यवस्था की बातें पाई जाती हैं, भविष्यवाणी की बातें पाई जाती हैं, कविता की बातें पाई जाती हैं, बुद्धि की बातें पाई जाती हैं, भजन की बातें पाई जाती हैं, पत्र की बातें पाई जाती हैं। कोई है ऐसी किताब संसार में जिसमें ये सारी बातें पाई जाती हों। सब्जेक्ट एक चीज से डील करता है, बस वो सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश जो है अपने आप से डील कर रहा है बस। लेकिन संसार में क्या हो रहा है? पॉलिटिकल साइंस, उसका सब्जेक्ट अलग है। लेकिन बाइबल एकमात्र एक ऐसी किताब है जो सारे विषयों को संग जोड़ती है, इस बात को दर्शाने के लिए कि यहोवा सब पर राज्य करता है। ऐसी कोई अवस्था या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पे यहोवा राज्य ना करता हो। पढ़ेंगे भजन 70 उसके 83वें अध्याय का 18वां वचन, साम 83:18। जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। जो वचन यहोवा परमेश्वर के द्वारा हम पर हमारे पास आता है वो सारी बातों पर परम प्रधान है। बाइबल बहुत बार जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम बहुत बार एक अकेलेपन के समय में होते हैं, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 12वां वचन, बाइबल हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ कैसे हमारे संबंध होने चाहिए हैं। जैसे तुम चाहते हो कि लोगों का रीत रिवाज आपके साथ हो, उनका प्रेम आपके साथ हो। प्रियो ये उसूल की बातें प्रभु का वचन सिखाता है। अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:34, जल्दी जल्दी। डीलिंग विथ स्ट्रेस, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, परेशानी हो रही, क्या करूंगा मैं, कल का दिन कैसे जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कल अपनी चिंता बहुत बार ना मैंने प्रियजनों को देखा है, सुना है, यार मैं कल क्या करूंगा, यार मैं कल क्या करूंगा, यार कल कैसा होगा। अब होता यह है जो काम होना होता है वो ऐसा होता है कि जिसको करना होता है, जो व्यक्ति चिंता कर रहा था उसका या तो पैर फ्रैक्चर हो जाता है या तो वो घर में लमलेट हो जाता है और वो काम जो है अपने आप हो जाता है। और वो व्यक्ति अपने आप चिंता कर रहा था क्या होगा यार क्या होगा। प्रियो विश्वासी होने के नाते आज एक बात प्रभु की उपस्थिति में प्रण करेंगे, बोलिए मेरे पीछे, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, करूंगा। परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण रखता है, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, परिवार पर, कुंभे पर,
बीमारी पर, शरीर पर, रिपोर्ट पर, जो जो बातें हैं सारी बातों पर परमेश्वर नियंत्रण रखता है। मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल स्तुति करूंगा, केवल धन्यवाद करूंगा। क्यों? वचन हमें समझाते हैं कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। मैं आपके साथ, जो लोग यहाँ पे चिंता करते हैं, मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूँ प्रियो। आपकी चिंता करने के वजह से काम होता है ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। मेहरबानी करके प्लीज करना है, हो जाए, लेट हो रहे हम, क्या कर रहा है तू, समझ नहीं आ रही। करते हैं ना कुछ लोग, ठंड पाल लो यार, क्या है, रुक जाओ, नहीं मानना उनको, तुझे बताओ अभी ठंड पाल लो। यहीं पे अभी मैं लास्ट थर्सडे को मैंने बस मैं सभा के लिए आ रहा था, आते आते पति पत्नी चल रहे थे साथ में, कब से बोल रही है मैं तुमको वो काम कर लो तुम करते नहीं हो। बेचारा बंदा बोल रहा कि यार मैं अभी अभी ऑफिस से आया, अभी सर मत खा मेरा, अभी मेरा सर मत खा, मैं कर लूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ मैं कर लूंगा, वो हो जाएगा यार, नहीं तुम क्या कर लोगे, मुझे करना पड़ेगा। इस बात को समझिएगा, ना करने वाले आप हैं, ना करने वाले पति पत्नी हैं, ना करने वाले बच्चे हैं, ना करने वाले माता पिता हैं, करने वाला केवल यीशु मसीह है। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है बस, ये नहीं कि हम गैर जिम्मेदार रहें, वो बात अलग है थोड़ी सी, हम गैर जिम्मेदार नहीं रह सकते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जो होगा प्रभु संभालेगा, जो होगा प्रभु संभालेगा। अगर इस उम्र तक आपने आकर चिंता कर करके उम्र खराब कर दी है, भस्म कर दी है, तो अब जीवन बताइए प्रियो, अब जीवन जीना सीखिए, टेंशन फ्री, क्या हिंदी भाषा में कहते हैं ना, देख ही जाएगी यार, छोड़ो, प्रभु संभालेगा, प्रभु आगे लिए चलेगा। अगली बात, इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय का 33वां वचन, वैवाहिक जीवन के विषय में प्रभु का वचन कुछ उसूल देता है, क्या कहता है, परिवार के अधीन कैसा होना चाहिए, पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए, माता पिता के बीच और माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई भाई बहन बहन भाई बहन के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए। प्रभु इन सारी बातों का उसूल हमें बताता है, कैसे हमें अपने अपने आप को परिवार में ढालना है, कैसे हमें अपने आप को परिवार में रखना है, सारी बातों के विषय में प्रभु का वचन हमें सही रूप से समझाता है। और इसलिए हम वचन को लगातार पढ़ते रहे, मेरे पीछे बोलिए, हम वचन को लगातार पढ़ते रहे, वचन मेरे जीवन की नींव है, वचन मेरे जीवन का स्थल है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। यस, अब हम अगली बात पे आएंगे, थोड़ा सा जो है 8 के और हल्का सा ऊपर जाऊंगा आज, और क्योंकि जल्दी हमें समाप्त भी करना है ना, आज तो खैर हो नहीं पाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ समय और लेंगे। ओके, अगली बात पर हम गौर फरमाएंगे। अब तक हमने देखा कि जो बाइबल हमारे हाथ में दी गई, मैंने बहुत सी बातों को कट शॉर्ट किया है, मैं जान आगे नहीं बढ़ा है ना, बहुत सी बातों को मैंने कट शॉर्ट किया है। तो बाइबल प्रभु ने हमें दिया, उसका हमने क्या किया, अब जो तोड़े परमेश्वर ने हमको दिए हैं, जो वरदान परमेश्वर ने हमको दिए हैं, उसका हमने क्या किया है, पढ़ेंगे प्रभु के वचन से सीखेंगे, है ना। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10वां वचन, अगला व्यक्ति निकालिएगा, निर्गमन 35 का 10, अगला व्यक्ति निकालिएगा, निर्गमन 31 का 3-5। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से अपने करने के लिए तैयार किया। भले कामों के लिए बनाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने बनाया है कि आप अपने हाथ के कार्यों को भले कामों में रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि जाते हैं गाय को, जी मम्मी जी खाना खा लो, गाय माता भले काम ना, हमारा भला काम
इस बात को दर्शाता नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमारा विश्वास दर्शाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे। और विश्वास के बाद जो हम भले काम करते हैं उनको गिना जाएगा, जब तक कि जीरो एक के पहले जितने भी जीरो होंगे उन जीरो को गिना नहीं जाएगा, लेकिन एक के बाद जितने जीरो लगाए जाएंगे, एक अक्षर, एक अंक की जो कीमत है, वैल्यू है, वो और बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से आपके विश्वास के बाद आप जो भले काम करते जाएंगे, मसीह यीशु में जो कार्य करते जाएंगे, उनको परमेश्वर प्रमाणित करेगा। अगला वचन निर्गमन 35 का 10। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है, वे सब बनाए। यहाँ पे हम पाते हैं कि वाचा का तंबू बनाया जा रहा था। जिन जिनके पास जो हुनर है, आओ बनाओ। आज परमेश्वर ने, जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या हुनर दिया है? परमेश्वर ने आपके हाथ में आज क्या हुनर दिया है? कुछ माताओं के हाथ में बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया, उम्दा खाना बनाने का हुनर है, इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोगों के पास अनेक प्रकार के हुनर हैं, इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे मूसा कहता है कि जिनके पास जो हुनर है, जो काबिलियत है, आओ, क्योंकि हमें एक मिलाप वाला तंबू बनाना है। और उसको बनाने के लिए है ना, वहां पे अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि सुनार, वहां पे सुनारों की आवश्यकता लगी है ना, लोहारों की आवश्यकता लगी, अनेक लोगों की आवश्यकता लगी। सुनार लोहारों के बीच, माफ कीजिएगा, लोहारों के बीच हम लोग इस समय बाइबल का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये लोहार आए एक्चुअली कहाँ से? ये मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कुम्हार, और जो कहते ना भारत के एक प्रांत में रहने वाले लोग जिनको बोला जाता है बंजारे, सुना आपने बंजारे लोग, अलग अलग फुटपाथ पे बेचारे लोग रहते हैं, इनके बीच में, इनकी भाषा में मैं इस समय बाइबल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इन लोगों से कभी कभार जब हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि हमें समाज का हक नहीं दिया जाता, और ऐसों के पास परमेश्वर का प्रेम बहुत जल्द पहुँचता है, लेकिन वो अपने हुनर के द्वारा किस मुकाम पर बढ़ गए हैं। मैं ऐसे कुछ बंजारों को जानता हूँ कि जो जरूर कुम्हार का और लोहार का ऐसे ऐसे सारे काम को जानते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, लेकिन आज फिर भी वो वहीं पे रहते हैं, वहाँ का किराया ले रहे हैं, फिर भी आज वो उस जगह पे रहते हैं। खैर, उस बात पर मैं नहीं आना चाहता, लेकिन आज जो परमेश्वर हमारे पास जो वचन लेके आना चाहता वो ये है, हमारे हाथ में जो हुनर है प्रिय, हमारे हाथ में जो हुनर है, उस हुनर को हमें और तगड़ा बनाना है। मैं कहता हूँ वो म्यूजिक का अगर वो हुनर है, एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में, पहला पत्रस चौथे अध्याय का 10वां वचन, पहला पत्रस चौथे अध्याय का 10वां वचन। जिसको जो वरदान मिला है, जैसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के बड़े भंडारियों की लाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। अपने हुनर का इस्तेमाल एक दूसरे की सेवा में करने की आवश्यकता, वचन कहता है अपने हुनर का इस्तेमाल दूसरे की सेवा करने के लिए। प्रियो, आप जब अपने हाथ के हुनर को पहचानेंगे, मैं क्यों बार बार गौर फरमा रहा हूँ, यहाँ पे इस हमारे सर्विस में दो लोग ऐसे बैठे हैं जो होटल चलाते हैं, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, दो परिवार यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, हमारा मिश्रा परिवार है और ब्रदर सूरज, ये दो परिवार है जो होटल लाइन में बहुत आगे प्रभु उनको ले जा रहा है, प्रभु का धन्यवाद उस बात के लिए। हमें अपने हाथ के हुनर को पहचानना है, लेकिन अब हमें अपनी आत्मा के हुनर को पहचानना है। आत्मा का हुनर क्या है? प्रेम, आनंद, वेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा का हुनर है। चाहे लोग कैसी बर्ताव क्यों ना करें, उनके साथ हमें प्रेम के साथ, भक्ति के साथ पेश आना है। प्रभु का वचन तोड़ व्यक्तियों के बारे में बताता जिनके पास तोड़े थे, और उन्होंने अपने तोड़ों के साथ क्या क्या किया, दो ने चार बनाए, पांच ने दस बनाए, जिसके पास पांच दिए गए थे उसने और दस बनाए। एक बहुत बड़े महाशय था,
उसने कहा स्वामी तूने जितने दिए, एक दिया था ना उसको मैंने जमीन में गाड़ के रख दिया। मैंने कहा खो खान आ जाए यार, जो छोटी बातों पर विश्वास करके ठहरता है परमेश्वर उसको बहुतों पर अधिकारी बनाता है। आज परमेश्वर ने आप में से हर एक को चुना है कि आप बहुतों पर अधिकारी हो, और इसलिए आपके पास जो छोटा सा है, मूसा को पता नहीं था कि उसके हाथ में जो लाठी है वो एक मैजिक स्टिक बनने वाली है। ऐसा नहीं कि उस लाठी में कुछ बड़ा था, लेकिन उस लाठी में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। आज आपके पास जो कुछ है प्रियो, एक पेन भी अगर आपके पास है, एक सेफ्टी पिन भी अगर आपके पास है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। आपके चश्मे में परमेश्वर की सामर्थ है। मूसा की लाठी ने बाकी सारे तंत्र विद्या के लोगों के, मूसा उन लोगों ने जो है लाठी फेंकी, मूसा ने भी लाठी फेंकी, लेकिन मूसा की लाठी ने उन सारे सांपों को खा लिया। आज आपका हुनर जो है, दूसरों के पास भी आपका जैसा हुनर होगा, लेकिन आपके हुनर में, आपके कार्य में सामर्थ्य है, महिमा है, आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर है, और इसलिए उसका इस्तेमाल करिए, उसका इस्तेमाल करिए। जब हम अपने हाथों के कार्य को और साफ करते हैं, अपने हाथों के कार्य को और अच्छा करते हैं, कुछ लोग अच्छी पोएम्स लिखते हैं, प्लीज लिखिए, कुछ लोग अच्छे गीत लिखते हैं, प्लीज लिखिए, कुछ लोग अच्छी है ना कुछ ऐसी बातें लिखते हैं, मुहावरे लिखते हैं, प्लीज लिखिए। लेकिन जो अपने हुनरों पर काम करते हैं, जब लगातार वो काम करते हैं, नीति वचन के 22 अध्याय के 29 वचन में प्रभु का वचन उनके लिए कुछ कहता है, कुछ कहता है, क्या लिखा वहां पे, जल्दी यदि तू, ध्यान से सुनिएगा वहां, यदि तू एक ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, बड़ा स्किलफुल हो, दाऊद के समान, दाऊद बड़ा स्किलफुली निपुणता के साथ वो बजाता था, और उसको शाऊल राजा के पास भेजा जाता था। जब भी शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा मंडराने शुरू होती थी, वो अपना 10 तार वाले बाजे को बजाना शुरू करता था, और वो दुष्टात्मा वहीं से भाग जाती थी। परमेश्वर ने आपके हाथ में जो तोड़ा दिया है, जब आप उस तोड़े का इस्तेमाल करेंगे, दुष्टात्माएं भागना शुरू करेंगी। विश्वास कर ले, कर लेंगे, भागेंगी, जोर से नींद आ रही बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर वैसी बोर हो रहा हूं, मैं समझ नहीं आ रहा आज का वचन। आपके हाथ में जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर आज दिखाना चाहते हैं। बाद में क्या लिखा है प्रभु का वचन, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। आपकी मेहनत का कार्य आपको राजाओं के सामने लेके जाएगा, अगर उसमें परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। तो पूरी नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्रभु ने पहला मेरा बिजनेस है, पहला मेरा काम है कि मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूं, लेकिन दूसरा मैं एक अच्छा संगीतकार भी हूं, और मैं राष्ट्रपति के सामने प्रभु की आराधना करके आया हूं। मेरे पास वो तारा मेरे कंधों पर जरूर लगा है, मैं कहूंगा प्रभु ने ये होने दिया है, लेकिन एक बार मुझे फिर से जाना है, और मैं इस बार जब जाऊंगा तो मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, राजा आपके पास आएंगे, इस सपने का अर्थ बताओ भाई, राजा आपके पास आएंगे, इस परिस्थिति का अर्थ बताओ भाई, राजा आपके पास आएंगे, भाई ये कोई पार्टी जीत क्यों नहीं रही है, राजा आपके पास आएंगे, मैंने क्या गलती कर दी, राजा आपके पास आएंगे, पूछेंगे मुझसे क्या खता हुई, और आप अब अपने काम पर घमंड करके नहीं कहेंगे, लेकिन अब आप यीशु मसीह पर जो आपको दिया गया है उस पर घमंड करके कहेंगे कि यहोवा यों कहता है। और बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन, भविष्यवाणी के वचन, समृद्धि के वचन, आपके मुख से जो वचन परमेश्वर आपके मुख में देगा वो खाली जमीन पर नहीं गिरेगा, लेकिन प्रभु उसको पूरा करेगा। आइए इस समय की अपनी आंखों को प्रभु की उपस्थिति में बंद करेंगे, फिर से हम याद करेंगे कि परमेश्वर के वचन से हमने क्या सीखा, जो परमेश्वर हमको दिया गया है उसका हमने क्या किया, जो यीशु मसीह को दिया गया उसका हमने क्या किया, जो पवित्र आत्मा को दिया गया उसका हमने क्या किया,
जो जो चेतावनी हमको दी गई उसका हमने क्या किया, जो बाइबल हमको दी गई है उसका हमने क्या किया, जो तोड़े हमको दिए गए उसका हमने क्या किया। प्रभु आज हमारी सहायता मदद करे कि परमेश्वर जो भी काम हम अपने हाथों में लें उनको और निपुणता से हम कर सके। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे ऐरा गैरा काम नहीं करना, लेकिन मुझे निपुणता का काम करना है, मेरे हाथों में आप निपुणता दीजिए। यस, आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मेरे हाथों में निपुणता आने पाए। अगर मैं घर की रखवाली करती हूँ तो मेरे हाथों में निपुणता आने पाए। अगर मैं ऑफिस का काम संभालता हूँ मेरे हाथों में निपुणता आने पाए। अगर मैं अलग अलग जगहों पे जाके बिजनेस को संभालता हूँ प्रभु मेरे हाथों में निपुणता आने पाए। अगर मैं पैसे का लेन देन संभालता हूँ पिता मेरे हाथों में निपुणता आने पाए। पिता परमेश्वर मेरे हाथों से ज्यादा पैसे खर्च ना हो, मेरे हाथ खर्चीले ना हो, चोरी घात और नाश की आग मेरे हाथों से दूर कर डाल। जैसे तूने मुझे अब तक सलामत रखा है वैसे जो जो तोड़े तूने मुझे दिए हैं उनको मैं और बढ़ाऊं, और उनको बढ़ाऊं पिता, मुझे ताकत बल शक्ति मिले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच डेरा कर रही है। अपने दास दास के साथ तू रहे, उनकी अगुवाई तू कर। हम धन्यवाद देते हैं कि आज तू हमसे बातचीत करता है, जो कार्य तू हमारे हाथ में सौंपता है तू चाहता है कि हम उसको 100 गुना और बढ़ाएं। हमें बुद्धि ज्ञान समझ से तू भर। इस सभा में जितने हमारे भाई बहन आए जो बिजनेस चलाते हैं पिता मेरी प्रार्थना है वो बिजनेस 100% और बढ़ने पाए। मेरे भाई बहन जो इस समय अपने ऑफिस में जाते हैं पिता उनके ऑफिस के कार्य को तू और 100 गुना बढ़ा, उस ऑफिस से वो अपने खुद का बिजनेस खोल सके। इस समय हमारे प्रियजनों के पास अगर एक घर है प्रभु जी वो एक घर 10 घर में तब्दील होने पाए। अगर उनके इस समय वो किराए में रहते हैं प्रभु जी उनको किराए से अपने घर में तू लेके जा, उनको खुद की गाड़ी प्रदान कर, उनके हाथ के काम में तू उनको बरकत दे, लेकिन सबसे बड़ी बात उनको पवित्र आत्मा का वरदान दे। हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए अपने अभिषेक से भर। प्रभु आने वाला सप्ताह सबके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए, बरकत का कारण ठहरने पाए। हर एक चोरी घात और नाश की आत्मा को, एक्सीडेंट की आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। पवित्र आत्मा हमें तू सिखा, जब हम गाड़ी चलाएं, जब हम बाइक चलाएं, जब हम जो भी काम करें पर पवित्र आत्मा हमको नहीं आता तू हमको सिखा। जब तू हमको सिखाएगा तब हमारे तोड़े बढ़ेंगे यीशु। अपने दास दासी के साथ तू रहे, आज की सारी आराधना सभाओं को तू आशीषित कर। तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान देते हुए सुनती प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे लोग कबूल कर पिता आमीन। अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ कलवरी परिवार के साथ आए हुए हर एक भाई बहन के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। हम सब कहेंगे आमीन। सो कलवरी के प्रभु का धन्यवाद।